तो आगे का आले तू आजा। हाँ दो तू इतने में नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रांडेड किसान में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज की वीडियो आप सबके कहे अनुसार बनने वाली है जी। आज की वीडियो किस भाई की है, कैसे होने वाली है, सब पता करेंगे। सबसे पहले जितने भाई खड़े हैं सभी को राम राम है जी। राम राम जी, सभी का स्वागत है जी। गंगा स्नान शुक्रताल पे जी। बात करें जी, परिचय से स्टार्ट करेंगे कि भाई कहां कहां से, भाई किस क्षेत्र से आ रहे हैं। सभी भाइयों से परिचय स्टार्टिंग होगी, उसके बाद में जो मैं ये लवारा है आज का, आप लोगों को रिकमेंड करा था कि भाई इसकी वीडियो ज़रूर बनाओ, सो वो भी आज वीडियो गंगा स्नान पे क्लियर हो जाएगी जी। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं भाई को। राम राम है जी। राम राम भाई, बड़े भाई का स्वागत है। शुभ नाम बोलो जी अपना। भाई अंकित। अंकित भाई स्वागत है भाई जी आपका। सोनू चौधरी। सोनू चौधरी, सोनू भाई राम राम करूंगा, स्वागत करूंगा सोनू भाई का। भाई सोनू भाई के पास भी भैंसा गजब ही है, बस साला ऐसा भैंसा भी देखने को कहीं कहीं मिला है, नस्ल नहीं मिलती। डिस्कवरी वाला है, डिस्कवरी वाला। अजी डिस्कवरी से भी भयंकर वाला ले रहे। स्वागत है सोनू भाई। अब पिंटू भाई को राम राम करूंगा, स्वागत करूंगा पिंटू भाई का जी। भाई को भी राम राम है। भाई को राम राम। भाई का शुभ नाम बोलो जी एक बार। नाम रोबिन सिंह है भैया। रोबिन भैया स्वागत है बड़े भाई आपका जी। बेटा वीर सिंह। वीर सिंह स्वागत है बड़े भाई। राम राम जी। राम राम बड़े भाई। सोनू भाई का स्वागत है। फौजी साहब राम राम। स्वागत है फौजी साहब आपका जी। भैया जी बिल्लू भाई राम राम जी। भैया गुरु राम राम है जी। राम राम जी। कालू बोकरे। बहुत बढ़िया। पंकज भाई गुरु राम राम है जी। और स्वागत है पंकज भाई का। अब पंकज भाई आज नया गेम ही लेके आए हैं, जो भी ब्रांड उतार रहे हैं अलग ही तरीके का उतार रहे हैं। सेवा कर रहे हैं आप लोग। हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो सेवा में बड़े बड़े। स्वागत है बड़े भाई को। राम राम। परविंदर भाई स्वागत है बड़े भाई। इधर भाई विमल भाई को भी राम राम है जी। राम राम जी। और भाई छोटे लाल का भी स्वागत है भाई का। शुभ नाम बोले बेटा। आरव चौधरी। आरव चौधरी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ ये आने वाला कल है भाई का। स्वागत है भाई। बहुत बढ़िया जी। छोटू भाई जी। भाई जी राम राम। अच्छा भैया पीछे नाम बोलो साहब। मोनू सहरावत। बहुत बढ़िया जी। राम राम भैया। राम राम भाई। शुभ नाम बोलो। अंकित भोकरडी। क्या बात है जी, क्या बात है भाई। नाम बोल दो सभी भाई। भैया जी कोकोड़ा। बहुत बढ़िया जी। प्रिंस कोकोड़ा। बहुत बढ़िया भाई। भाई जी पीयूष राठे ससुरली। बहुत बढ़िया भैया। यमन चौधरी भोकरडी। क्या बात है भैया। अर्जीत भोकरडी। भैया नितिन भोकरडी। परमजीत सहरावत। भैया बहुत बढ़िया। सो आज की वीडियो होने वाली है जी लवारे की। और आप लोगों की रिकमेंड था कि भाई एक पंकज मुझेड़ा के पास एक लवारा है जो मोटरसाइकिल के आगे भागता है, उसकी वीडियो बनाओ। सो आज गंगा स्नान के मेले पे यहाँ शुक्रताल में ऐसा मौका बना कि भाई लवारा भी मिल गया और पूरी पूरी टीम भी मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात है टीम की, वह टीम भी मिल चुकी है जी। सो इसको कितने समय का है, इसको कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या टूर्नामेंट टूर्नामेंट में भी लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। सबसे पहले पिंटू भाई यहाँ से आ लो सामने। पिंटू भाई ड्राइवर है। तारा और सितारा दोनों इकट्ठे हो गए। तारा और सितारा ये नाम आज गजब ही दे दिया जी। तारा और सितारा। आओ जी आओ भैया जी, आप भी आ जाओ इधर एक मिनट। सो बात करी जाए पंकज भाई। पंकज भाई बात की जाए, लवारा उतार रही है, कितने मीटर में उतार रहे हो और इसे कैसे बाइक के आगे लगाना चालू करे जी। भाई सेवा कर रहे हैं इसकी, अपने आप ही जो डंगर भागने वाला हो उसे कैसे लगा लो, उसी तरीके से लगता चला जाओ। सोच रहे थे पीछे लगाऊंगा मोटरसाइकिल के, पर आग लग गई, नहीं मिला फिर आग का कर लिया। अच्छा तो इसकी उम्र कितनी है जी। उम्र तो भैया बस साल भर से थोड़ा ही 15-20 दिन आगे हुआ अभी तो। चणकी 13वें महीने में चालू होगी। चालू होगा जी। ये बात। और बात की जाए पंकज भाई यह वाला लवारा है, ये घर का है, मोल को लेके आए थे। मोल को लेके जी। मोल को लेके आए थे। भैंस ने जी मारा झोटे जारी करने मंड जाएगा नहीं। अरे गए हैं जी। गए हैं जी मारा मारा गए हैं लवारा देते हैं भैंस का। पंकज भाई की बातें भी गजब हैं। घर भैंस नहीं मारे। पंकज भाई इतने भैंसे बांध रखे हैं वहाँ घेर में, उनका दूध पैसे की पूर्ति करो। पड़ोस पड़ोस में जिसे जो लाला छगा ना जी सेवा करने का, वो सब पूर्ति कर दे।
ये बात और बात की जाए पंकज भाई इस टाइम कितने पैसे ले रहे हैं? पैसे तो बहुत हो रहे जी, बस लगभग ना खुलवाओ नहीं लगभग पगड़ी में एक अदर आजा पांच चार बता के भी अच्छी बात है। सो ये कितने का लबारा लेके आए थे जी? भाजी मॉल बाहर होता चीज का सामान का चीज रुपए की मिल जाए लाख की मिल जाए ये भी बात कायदे की, फिर भी एक इसकी कोई कीमत तो आप आंख के अनमोल रतन ये बात भाई ने बात ही ढूंढने पड़ा जी था ये बात। सो पंकज भाई एक भैंसा लेके आए हो आप, सीकरी सीकरी वालों का नाम करके फेमस है जी, कमेंट भी आए हैं, क्या उसे गेम में उतारोगे आप? कोशिश करें, लगा होगा उसके पीछे भी टाइम थोड़ा कोशिश है, बराबर की टाइमिंग में उतारोगे जी? टाइमिंग की लौट फेर की हाँ पंकज भाई आप तो लंबी दूरी के एक प्लेयर हो, छोटी दूरी तो कमी देखने को मिली है आपकी, सेटिंग हो जाए छोटी में ये बात सेटिंग हो जाए जी, हम तो अपने वही खेल हो जी ये बात हमारे साहब का खेल है यार, ये पीड़ो के बहुत अच्छे शौकीन है, हर चीज का कलाकार है। हाँ अरे तो जाने जा ये आर मोड का घर जा करते हैं। मैं तो कह रहा भोपाल की दो ही चीज से फेमस है तो भेंडा बैल या विमल की कंडी। अच्छा ये भेंडा बैल किसका था जी? भेंडा बैल कुडवा के कहे जहाँ जी भोपाल रेडी में। अच्छा जी गंगा यमुना के बीच में जुआन थमा उस बैल का। ओए होए होए तो गेम तकड़ा ही रहा जी उसका। सो कोई बात नहीं, एक साइड पे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सो पंकज भाई जैसे आपके गांव के हैं बिमल भाई, तो पीड़ा आपने इनसे भी मनवाया करता नहीं भाई? है जी तो अपना भाई को कष्ट दे देता अपना भाई खेल का लगी कौन जिम्मेदार होगा भाई? बिमल भाई तभी गिफ्ट कर दो करता ही नहीं, चलो अब की बार गिफ्ट कर देंगे क्योंकि पंकज भाई ने तो कह दिया कि भाई को दुख नहीं देना। नहीं नहीं हम आपकी बार गिफ्ट कर देंगे अभी भाई ना, अभी चल लो करे, अभी एक साल से तो चल रहा है। अच्छा एक साल से चल लो, अब का जो गोलू झोटा है विमल भाई के पिड्डे में उतरा का मैं जान में। ओए होए खड़ा कर रखा बाट में सी। अच्छा जी सो विमल भाई पीड़े बनाते हैं जी भाइयों, एक बार इनका पीड़ा जरूर चेक करो, आके क्षेत्र में आओ तो। लेकिन देखो पैसों का थोड़ा डिफरेंस रहेगा दूसरे पीड़े से, जैसे कि अब जा मवाना में पीड़े बन रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मवाना में अमनीश पंडित जी हैं सारे हैं, देखो सीनियर हैं सारे, ठीक है उनके डिफरेंस से पंडित जी विमल भाई कितना अंतर रहेगा पैसों का आपका? 4-5 हज़ार रुपये का अंतर रहेगा जी कम से कम। और वेट में कितना अंतर रहेगा? वेट में भी कम से कम 7-8 किलो का रहेगा जी। ओए होए आ जाओ जी, आ जाओ लिया जी पंडित जी को, राम राम जी, आ जाओ भाई विश भाई। So, जैसे कि 4-5 हज़ार का अंतर रहेगा, 7 किलो वेट में 4-5 हज़ार का अंतर, हम उसमें और भी तो फैसिलिटी देंगे जी, जैसे जैसे कि 500 के आगे से मढ़ाई बांध के और क्या नाम 500 का कलर और एक नंबर के पास देंगे, छोटी पोरी के दोगे? छोटी पोरी के भी देंगे, बड़ी के भी देंगे। बड़ी पोरी का बांस सस्ता होता है, छोटी पोरी का सस्ता होता है, दोनों बराबर आते हैं जी रेट में तो। लेकिन बस थोड़ा फर्क मानना है लोग कि बड़ी पोरी का बांस कमजोर रहे टूट जा, लेकिन मेरा मानना नहीं है ऐसा। अच्छा जी बस बांस का बक्कल मोटा होना चाहिए, बक्कल मोटा होना चाहिए भाई, बांसों में जान गेर देते हैं विमल भाई, अगर 1% अगर बांस हल्का भी है एक बार इनको घुमाओ तो आज कौन से जंगल में खड़े कर रखे हैं? बस वो जंगल इसी का अपना ही है, सुकरताल का जंगल है, गंगा जी पे ढोल लाओगे तो। तो आज कितना प्रोग्राम दिखाओगे इसे आजकल? 300 मीटर का भी 300 मीटर का। सो उन्ना लवारा है जी और 300 मीटर में दिखाएंगे। सो विमल भाई के पास बहुत अच्छी चीज है जी, अच्छा जी फर्स्ट है। कहां से? हमारे गांव में टूर्नामेंट हुआ था गांव का, हां जी उसमें ठाए थे फर्स्ट जी, दो सिल्ड पहले ठा रहे, दो पहले सब पहले दो सिल्ड बार ठा रहे, जीतने के बाद भी पटा बात नहीं मारा नो कभी, हां नो का जीत गए पटा बात नहीं मारा आज लोग जीतने के बाद भी पूरा लगे कभी पूरा ना को तो वाले ये बात कहने का मतलब तो डर भी तो लगा ये सही बात। नहीं कहने का मतलब ये है इन्होंने कहा कि भाई कभी भी जीत के बाद अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल कि भाई कल का पता नहीं कल क्या हो जाए, सो वे बातें याद रह जाती हैं, अच्छी बात है, कभी अभिमान भी नहीं होना चाहिए जी, जो मेहनत तो सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं जब गिरा जी, ये बात सच्चाई है, एक समय ऐसा होता है कि अपने छोड़ने पड़ते हैं जी, पंख भी छोड़ने पड़ते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी। क्या कहना चाह रहे थे आप? हम ये कहना चाह रहे थे मगर फिर धरती हाथ नहीं लगती, फिर जब उड़न लगा आदमी
ये सच्चाई है। सो कहने का मतलब यह है तो पंकज भाई कितना समय में लगभग उतार दो दूसरे वाले को? थोड़ा सा कत्ल की रात आज की है, कल को फाइनल है ये बात। सो भाइयों आज दिखाएंगे जी इसे भाई, ये दीवान जी बना ले आने के नहीं। आओ जी राम राम भैया, आ जाओ जी, आ जाओ भैया आ जाओ। तो बहुत देर हो देखा नहीं हिला पेला दे दिखाओ यार। आ जाओ भाई दीवान जी राम राम, स्वागत है दीवान जी आपका, शुभ नाम बोलो जी एक बार। मेरा संदीप कुमार जी स्वागत है बड़े भाई आपका। गांव कौन सा है जी? लिब्बाड़ी। बहुत जी बहुत बढ़िया। जिला डूबते हुए जिला हरिद्वार। हरिद्वार स्वागत है बड़े भाई। दीवान जी रुको, स्टार्टिंग करूंगा जी इसके फेस से। दीवान जी जट्टू रुको, ये बात अपने भगवान, ये बात ये सच्चाई है जी, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। चप भागो जा दूसरे को भगाओ। बात करिए फेस से, फेस कुछ ऐसे होने वाला है जी। हर जी बात करी जाए पैरों की, पैर कुछ ऐसे होने वाले हैं। चलाइयो जी आके थोड़ा सा, उठा देखो जी घुमा लो। सो करो तैयारी पंकज भाई, तैयारी 300 मीटर 300 मीटर तो आगे छूटेगा यहाँ से सीधे। सो लेके चलते हैं जी, 300 मीटर दिखाते हैं। अगर भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। लेके चल रहे हैं जी, फिर आपको दिखाते हैं दूरी कैसे होने वाली है। पक्के में लगाया है, कच्चे में लगाया है, जैसे भी आप लोगों के सामने कच्चा रास्ता ही है जी, मुझे लगाया तो पक्के भी है, दोनों हैं। होगा 300 मीटर, भैया आप पीछे रखो भाई। साइड कोई छुट्टू बता, कोई भी छुट्टू तो आगो का आलेट आ जा। हाँ तो तू इतने में ढोलती बहन के लौटी भाई। मगन कुमार Yes.
चलो ना बढ़िया साइड अपना आप ले लिए धोखा कर दिया माला राज बंदो ना भाई हो गए गुरमीत के मेल मेरे धोखा कर दिया बहुत दिया ना साइड हमें गलत दे दी हमें गलत साइड दे दी हमने सही साइड ले ली नहीं शुरू में चलो ठीक है राम राम।